तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 12th इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। तो ये सारा क्वेश्चन जो है सो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए क्या है, VVI है, और ये सारा क्वेश्चन जो है सो ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो यहाँ पे क्या है कि ये 12th इतिहास का सेट 2 है। इससे पहले हम सेट 1 क्या है कि ऑलरेडी डाल चुके हैं। अगर आप लोग अभी तक ये सेट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या नहीं तो फिर हम सेट 1 का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो आइए यहाँ पर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्या है कि टोटल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। तो इससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नॉलेज प्रोवाइडर को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि सांची का स्तूप मूलतः किस मुगल शासक, यहाँ पे जो ये मुगल है ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये मुगल नहीं होगा। सांची का स्तूप किस मुगल शासक ने बनाया था, तो अशोक ने बनाया था। सांची का स्तूप मूलतः किस शासक ने बनाया, तो अशोक ने बनाया था। अब ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या है कि बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है। बुद्ध जो थे वो सबसे पहला अपना प्रवचन कहाँ दिए थे, तो सारनाथ में दिए थे। तो जो ये प्रथम प्रवचन दिए थे वह क्या कहलाता है, तो इनका जो प्रथम प्रवचन है वह धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, तो धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। अब ये 3 में देखते हैं। तो रैयत बाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता है, रैयत बाड़ी जो व्यवस्था है इसमें जो भूमि का स्वामी कौन होता है, तो किसान होता है। रैयत बाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी किसान होता है। अब आइए देखते हैं 4 नंबर। तो किसने भारत को मात्र एक भौगोलिक इकाई कहा था, किसने भारत को मात्र एक भौगोलिक इकाई कहा था, तो शिले ने क्या कहा था कि भारत जो है सो मात्र एक क्या है, भौगोलिक इकाई है। तो 4 का राइट आंसर शिले हो जाएगा। अब देखते हैं 5 नंबर। तो 5 नंबर में है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता जो है सो किस युग की सभ्यता है, तो कांस्य युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता कौन से युग की सभ्यता है, तो कांस्य युग की सभ्यता हो जाएगी। अब देखते हैं 6 नंबर। तो 6 नंबर में है कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है, यानी जो भारत का जो नेपोलियन है वह किस शासक को कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अब देखते हैं 7 नंबर। तो प्रयाग प्रशस्ति किसकी रचना है, ये जो रचना है कौन सी प्रयाग प्रशस्ति, तो ये किसकी रचना है, तो हरिसेन की। प्रयाग प्रशस्ति किसकी रचना है, तो हरिसेन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हरिसेन। अब देखते हैं 8 नंबर। तो 8 नंबर में है कि मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने भागों में बांटा गया है, मानव का जो जीवन है इसको कितने आश्रमों में बांटा गया है, तो 4 आश्रमों में बांटा गया है। यानी मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है, तो 4 आश्रमों में बांटा गया है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। तो 9 नंबर में है कि गांडीव क्या था, गांडीव क्या था, तो अर्जुन का धनुष था। अर्जुन के धनुष को क्या कहते हैं, तो गांडीव कहते हैं। तो 9 का राइट आंसर अर्जुन का धनुष हो जाएगा। अब 10 में देखते हैं। तो गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित रखते हैं, गौतम बुद्ध जो थे उनका क्या कुल था, तो उनका कुल जो था वो शाक्य कुल था। गौतम बुद्ध का कौन सा कुल था, तो शाक्य कुल था। अब आइए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, और हाँ अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का PDF चाहिए, चाहे वो क्या हो, साइंस हो, आर्ट हो या कॉमर्स हो, किसी भी सब्जेक्ट का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या अकाउंटेंसी का, तो आप लोग प्ले स्टोर से BSEB एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर ले, और इस ऐप पर आपको सभी सब्जेक्ट का PDF आपको फ्री में मिल जाएगा। ये ऐप आप लोगों के लिए एकदम बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे आप लोगों के लिए सारा PDF जो है वो आपको मिल जाएगा। किस पे, तो BSEB एजुकेशन ऐप पे। आप लोग प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, या नहीं तो फिर इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है, आप वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए अब हम 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या है कि खानवा का युद्ध कब हुआ था, खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो 1527 ईस्वी में हुआ था। खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो 1527 ईस्वी में हुआ था। अब है 12 नंबर क्वेश्चन। तो हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, तो 1576 ईस्वी में।
हल्दी घाटी का जो युद्ध था वह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 1576 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। अब है 13 नंबर, तो हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया है? हम्पी जो है उसको क्या घोषित किया गया है यूनेस्को के द्वारा? तो विश्व पुरातत्व स्थल घोषित किया गया है। तो किस वर्ष घोषित किया गया है? तो 1886 ईस्वी में हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व दिवस घोषित किया गया है। कब? तो 1986 ईस्वी में इसे क्या किया गया है? घोषित किया गया है 1986 ईस्वी में। अब आइए देखते हैं 13, 14 नंबर। तो 14 नंबर में है कि खानकाह क्या है, यानी जो खानकाह है यह क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूफी संतों का घर। सूफी संतों के घर को हम क्या कहते हैं? तो खानकाह कहते थे। तो 14 का राइट आंसर सूफी संतों का घर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं 15 नंबर। तो 15 में है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? दिल्ली सल्तनत का जो था उसका जो अंतिम अंतिम सुल्तान कौन था? तो इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जो था वो दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। अब है 16 नंबर। तो 16 नंबर में है कि मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी में किस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की थी? मार्को पोलो जो था वो क्या किया था 13वीं शताब्दी में? अपने स्थान से चलकर और चीन और भारत की यात्रा की थी। तो कहाँ से चलकर किया था? तो वेनिस से। वेनिस से मार्को पोलो चलकर चीन और भारत का यात्रा किया था। तो वेनिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब है 17 नंबर। 17 नंबर में है कि अस्थाई बंदोबस्त अथवा इस्तमरारी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? अस्थाई बंदोबस्त और इस्तमरारी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? तो 1793 ईस्वी में किया गया था। कब लागू किया गया था? तो 1793 ईस्वी में लागू किया गया था। अब है क्या 18 नंबर। तो इसमें है कि 1857 के विद्रोह के समय मुगल का सम्राट कौन था? 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस समय मुगल का सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह था। और 1857 के जो विद्रोह हुआ था वो उसका मुगल सम्राट उस समय कौन था मुगल सम्राट? तो बहादुर शाह था। अब ये 19 नंबर देखते हैं। तो चौल इमारतें किस नगर की प्रमुख विशेषता थी? ये जो चौल इमारतें हैं ये जो किस प्रमुख नगर की विशेषता थी? तो बम्बई। बम्बई की नगर की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो चौल इमारतें। वहाँ पे जो था वो चौल इमारतें थी। ये क्या हो गए? तो बम्बई की विशेषता हो गई। अब है 20 नंबर। तो 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था? 20 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो असहयोग आंदोलन हुआ था। असहयोग आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। कब? तो 1920 ईस्वी में हुआ था। कौन सा? तो असहयोग आंदोलन। तो अब हम सारा यानी टोटल 20 क्वेश्चन देख लिए। अब यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों का शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके क्या कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि क्या हम कि इसी तरह के वीडियो आपको तुरंत मिलता रहे।